नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के माध्यम से ढोल की महत्ता और ढोल की जरूरतों पर एक सेमिनार की गई है, और सेमिनार इस मायने में कि उत्तराखंड के जाने माने साहित्यकार डॉक्टर नंद किशोर हटवाल जी ने ढोल पर एक बहुत बड़ा शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया है। मांगलिक वाद्य, शगुन वाद्य, देव बाजु, देव वाद्य भी ढोल को कहा है, इन शब्दों से भी नवाजा है। बाकी संगीत की भाषा में इसको औनर्द वाद्य, चरण वाद्य और थाल वाद्य, ताल वाद्य कह सकते हैं। हम ढोल को यहाँ के समाज में सर्वाधिक लोकप्रिय वाद्य यंत्र कह सकते हैं। ढोल के बगैर यहाँ का सामाजिक जीवन अधूरा है। गाँव में बिना ढोल की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं बिना ढोल के जीवन जिया जा सके। लोक जीवन की खुशियों और हर्षोल्लास के केंद्र में ढोल होता है। ढोल के बिना उत्सव सोने लगते हैं हमारे, और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण और जरूरी लोकवाद्य इसको हमारे ग्रामीण जीवन में, लोक जीवन में माना जाता है। हम अगर ढोल के अतीत पर जाते हैं, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं कि स्वागत में अभी हम लोगों ने एक प्रतीकात्मक है, ये यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से हमने अपने जो कलावंत हैं, जो महत्वपूर्ण ढोल वादक हैं जिन्होंने बहुत बचपन से ये काम किया है, प्रेम जी 13-14 साल से ये काम कर रहे हैं। और आपको एक जानकारी साझा कर दूं मैं कि जो प्रेम के साथ जगमोहन है ये इनके गुरु हैं। लेकिन ये भी एक गौरव की बात, खुशी की बात है कि गुरु तो गुरु ही रह गए और चेले जो है बहुत आगे पहुंच गए। तो आज हमको सौभाग्य मिला कि दोनों को सम्मान और सम्मानित करने का। जनवरी 2024 को श्री प्रेम हिंदवाल जी को दून पुस्तकालय शोध केंद्र सम्मान पत्र दे रहा है, इनके द्वारा दिया जा रहा है, जिसे मैं सोनिया गैरोला वाचन कर रही हूँ। अपने गांव फरकिया में बगड़वाल पौड़ा नचाना हो या इनकी मंचीय प्रस्तुतियां देनी हो, अथवा लास्पा सरों छोलिया मंडार नचाना हो, या शादी विवाह या अन्य किसी भी परंपरागत अवसरों पर ढोल बजाना हो, श्री प्रेम हिंदवाल जी को इन सब में महारत हासिल है। ढोल वादन के साथ ही प्रेम हिंदवाल पौणा, बगड़वाल, पांडव, सारो, छोलिया मंडाण जैसे नृत्य बड़ी निपुणता, कलात्मकता और परंपरागत बारीकियों के साथ कर लेते हैं। दिसंबर 2019 में छत्तीसगढ़ में आयोजित राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर श्री हिंदवाल जी की टीम ने लोक नृत्य में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। हम सभी श्री प्रेम हिंदवाल जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज दिनांक 18 जनवरी 2024 बृहस्पतिवार को ये सम्मान पत्र दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र द्वारा श्री बीके जोशी जी, जो सलाहकार रहे हैं दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र के, उनको उनके द्वारा दिया जा रहा है। मैं जगह बहुत काम किया, हम चाहते हैं कि आपकी सेवाएं उत्तराखंड में वो भी उपलब्ध हो। और जो आपने भोपाल के मानव संग्रहालय में काम किया, उस तरह का संग्रहालय अगर हमारे उत्तराखंड में बने, मानव संग्रहालय, क्योंकि उसके लिए सामग्री बहुत है, लोग बहुत हैं जो जानकार हैं, लेकिन वो किसी तरह से वो हो नहीं पा रहा। आप जैसे लोग हैं जो इसको शायद कार्यान्वित कर सकते हैं। मैं इस मौके में यही
कहूंगा कि उत्तराखंड सरकार से कि इस ओर कदम बढ़ाएं और जो लोग यहाँ हैं उनकी सेवाएं जो है उपलब्ध है उसको एक मानव संग्रहालय किसी न किसी रूप में उत्तराखंड में भी होना चाहिए। उत्तराखंड के समाज में ढोल की बहुत ही खास महत्ता है। आपने नंद किशोर अटवाल जी को सुना, ढोल की जरूरत है और उत्तराखंड को ढोली की भी जरूरत होगी। ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ आपसे मुखातिब रहूंगा, अनुमति दीजिए, नमस्कार।